हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिस लवर। आज हम करेंगे जो हमारा वेटिंग टैंक सेटअप किया था मौली फिस का, तो उसे करेंगे हम चेंज। इस वाले टैंक में रखेंगे क्योंकि उसमें कुछ साफ दिख नहीं पा रहा था। तो चलो इसमें डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं हम। वही डेकोरेशन सेम करेंगे जो उसमें थी, वही स्टोन्स और वही मनी प्लांट्स। तो सबसे पहले हम डालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला मनी प्लांट डालेंगे जिसमें कि स्टोन्स मैंने लगा दिया है, तो लगाते हैं फिर उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को। तो भाई वो डेकोरेशन हो चुकी है कंप्लीट, देख सकते हैं कुछ ऐसा लुक आया है। बहुत ही ज़्यादा मैंने हाइडिंग स्पेस दे दिया है भाई, और इसमें एक मौली फिस प्रेग्नेंट भी हो चुकी है, वो भी दिखाएंगे अभी आप लोगों को। तो अभी निकालते हैं फिशेस को इस वाले टफ में से, टूनेट की मदद से निकालते हैं सभी फिश को हम। ये देखो आ गई, ये दो मौली फिस आ गई हैं, एक ये रही और एक अंदर थी। दोनों मैंने मौली फिश डाल दी। इसके अलावा एक और रह गया है, मेल रह गया है, उसको भी निकालते हैं। तो फिश मैंने निकाली, ये देखो एक हमारी मौली फिश गिर गई है और यही प्रेग्नेंट मौली फिश है। अभी दिखाऊंगा मैं पास से। ये देखो तीनों मौली फिश, इसमें छोटा वाला मेल है और ये दो फीमेल है, ये वाला मेल, ये फीमेल, ये भी फीमेल। इसमें से एक फीमेल भाई प्रेग्नेंट हो चुकी है, देख सकते हैं आप इसका पेट बहुत ही ज़्यादा फूल चुका है। और ये देखते हैं भाई कितने टाइम के बाद बच्चे देती है। भाई फुल लोडेड तो हो चुकी है ये, तो हमारी जो हमने ब्रीडिंग टैंक सेटअप किया था वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो अभी हम इनको छोड़ते हैं भाई टैंक में जो हमने नया टैंक बनाया है, क्योंकि उसमें ठीक से दिख नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने टैंक चेंज किया है। तो चलो डालते हैं। पहले हमने डाली है मौली फिश जो कि प्रेग्नेंट मौली फिश है। अभी दिखाते हैं, ये देखो पास से कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है इसमें। और इसमें भाई क्लियर दिखेगा अभी कौन सी मौली फिश प्रेग्नेंट हुई है, नहीं हुई है, बच्चे दिए हैं, नहीं दिए हैं। और इसमें मेल ये छोटा वाला है और ये बड़ा वाला फीमेल है। और बाकी की ये बच्चे हैं, दो बच्चे बचे हैं, तो इनको अलग रख दूँगा मैं। और इसमें दो कलर विडो और एक मौली फिश है, वो भी डाल देता हूँ मैं इसी में ही। पहले ये वाली मैंने कलर विडो डाल दी, ब्लू वाली, और उसके बाद एक और ग्रीन वाली कलर वीडो है, इसको भी डाल देता हूँ। बाकी ये मौली फिश है क्योंकि इस पर वाइट कलर के डॉट्स पड़े हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग, इसे भी डाल देते हैं हम। तो इसमें चार मौली फिश हो गई और दो कलर वीडो फिश हो गई। अभी ओवरऑल लुक भाई ये है फाइनल लुक, तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है अभी ये। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना कमेंट में, और इस वीडियो को लाइक करना अगर आपको अच्छी लगी थोड़ी सी भी, और चैनल सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन कर देना ऑन, जिससे कि आपको जब भी हम वीडियो डालते हैं उससे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो इस वीडियो में बस यही था, बाकी की इस वीडियो के लिए बाय बाय, अगली वीडियो मिलेंगे दोस्तों।